गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोहेल सर, योर सोशल साइंस टीचर। दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ स्टैंडर्ड 6, चैप्टर नंबर 1, सिविक्स बुक, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चंस and long questions. Students, you are requested please listen the video very carefully, then note down and fear the question answer in your fear notebook. Students, आज हम आपको chapter number 1 का, जो कि हमारा civics book है, उस पहले chapter का ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझाएंगे, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। आज हम आपको इन सभी के बारे में बारी बारी से आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से सुने और क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स जितने भी हैं उन सबको फेयर कॉपी में नोट करेंगे। फेयर कॉपी कैसे बनाएंगे ये हमने कई बार अपने वीडियो में बताया था, एक बार और रिपीट कर देते हैं। सिविक्स बुक का भी आप जो है एक अलग से फेयर नोटबुक बनाएंगे। हिस्ट्री का अलग होना चाहिए, ज्योग्राफी का अलग और सिविक्स का अलग। तो तीन पार्ट है इस वीडियो, इस बुक का, और तीनों पार्ट का आपको अलग अलग सेपरेट फेयर नोटबुक बनाना है। क्वेश्चन को आप ब्लैक से लिखेंगे और आंसर को ब्लू से। आप सभी को फेयर नोटबुक में नोट करेंगे, चाहे वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, ट्रू फॉल्स हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सभी को आपको फेयर नोटबुक में बना लेना है। ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। ए, चूज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, देयर आर फोर ऑप्शन इन ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के चार ऑप्शन हैं। चूज द बेस्ट वन, उस चार ऑप्शन में से जो बेस्ट आंसर है उसको हम लोग चूज करेंगे, यानी कि टिक लगाएंगे। ओके, वन, द कंडीशन ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम Each other is referred to as। जब हम लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, चाहे वो different types of fruits हो गया या different types of vegetables हो गए, birds हो गए, animals हो गए, सब एक दूसरे से different है, तो इसको क्या कहेंगे? इन चार option में से कौन सा correct है? Which one is correct? The correct answer is D, diversity। इसे हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी, विविधता है, जिसको हमने वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वीडियो को बार बार देखेंगे, कोशिश करेंगे जितना हो सके उसको देख करके समझें। नंबर टू, द मेन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज। भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो जैसा कि हमने वीडियो में भी बताया है और इसमें आंसर भी दिया हुआ है, द करेक्ट आंसर इज सी, हिंदी। नंबर थ्री, डाइवर्सिटी इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्पेयर ऑफ इन कॉज। विविधताएं, जैसा कि हमने इस वीडियो में समझाया है कि वो अच्छी चीज है, तो उसका कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होता है। तो कौन कौन से में हमने पढ़ाया था, आपको एक्सप्लेन किया था वीडियो में, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर भी विविधताएं होती है, जिसे हम लोग इनइक्वलिटीज़ कहते हैं, असमानताएं, यानी कि अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, किसी के पास अच्छी एजुकेशन है तो किसी के पास नहीं है, तो इनको हम क्या कहेंगे? इनइक्वलिटीज़। नंबर फोर, हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस। तो अब इसको पता है कि ये जो ज्योग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है वो है डाइवर्सिटी। अलग अलग जगहों के डाइवर्सिटी भी अलग अलग होते हैं। हम बिहार में रहते हैं, यहाँ की डाइवर्सिटी अलग है, यहाँ के पेड़ पौधे, जानवर, फल फूल,
कोई अगर कश्मीर में होगा तो वहाँ की डाइवर्सिटी अलग होगी। द हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर, द आंसर इज ए डाइवर्सिटी। नंबर 5, डिस्पाइट द डाइवर्सिटी इंडियन हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ, इतनी सारी विविधताएं, इतने सारे डिफरेंस, इतने सारे वैराइटीज होने के बावजूद भी एक चीज़ है जो हमें जोड़ के रखता है। द आंसर इज ए वननेस, एकता, एकजुटता। ये इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फूड ईटिंग हैबिट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, इन सब विविधताएं होने के बावजूद भी हमारा देश एक है। ओके स्टूडेंट्स, बी राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अब देखेंगे कि जो स्टेटमेंट सही है उसमें हम ट्रू लिखेंगे और जो भी स्टेटमेंट रॉन्ग होंगे यानी कि गलत होंगे उसके सामने में हम फॉल्स देंगे। तो ट्रू मीन्स सच यानी कि सही, और फॉल्स मीन्स गलत। फर्स्ट नंबर, इंडिया हैज़ 25 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि इंडिया में 25 स्टेट्स नहीं है, 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरी है। तो द फर्स्ट आंसर इज फॉल्स। तो आप कहाँ पर लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे इसका आंसर। नंबर 2, डिफरेंस इन सोसाइटीज एंड इट्स स्ट्रक्चर क्रिएट अनरेस्ट। अब इस पॉइंट पर ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, अनरेस्ट। तो जब जब सोसाइटी में किसी तरह का कोई डिफरेंस होता है, यानी कि अगर अमीर बहुत अमीर हैं, गरीब बहुत गरीब है, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ अनपढ़ हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, तो ये सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, जहाँ थोड़ा सा असमानताएँ होती है उसे अनरेस्ट कहते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, तो इसके सामने हम ट्रू लिखेंगे। नंबर 3, इंडिया इज़ नॉट अ सेकुलर कंट्री। इंडिया जो है सेकुलर कंट्री नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है टोटली रॉन्ग है, यानी कि इसके सामने फॉल्स लिखेंगे। तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, टोटल जितने दुनिया भर में धर्म को फॉलो करने वाले, रिलीजन को फॉलो करने वाले, वो सब लगभग 8ों धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, तो इसे हम सेकुलर कंट्री कहते हैं। नंबर 4, क्लासिकल एंड फोक आर द टू मेन टाइप्स ऑफ डांसेस इन इंडिया। दिस स्टेटमेंट इज टोटली राइट, ये स्टेटमेंट सही है। तो इंडिया में डांस को दो पार्ट में बांटा गया है, जैसा कि हमने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया। क्लासिकल जिसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये सब आता है, फोक डांस होता है अलग अलग स्टेटों का, तो खास के जैसे गरबा हो गया, बिहू हो गया, आसाम का, गरबा हो गया आपका गुजरात का। तो ये स्टेटमेंट सही होगा, इसके सामने ट्रू लिखेंगे। नंबर 5, डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज हैड एडेड अ ग्रेट वैरायटी टू आवर लिटरेचर। तो जितने तरह की विविधताएं होंगी लैंग्वेज में, वो हमारे लिटरेचर को और भी निखारेगा, और भी बेहतर बनाएगा, और भी महान बनाएगा। तो सही स्टेटमेंट है, तो इसके सामने भी ट्रू लिख देंगे। नंबर 6, द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल टू शो डिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब यहाँ पर बच्चों को और कीजिएगा, डिस यूनिटी है, तो अगर हमारे देश में अगर सभी लोग मिल करके इस देश की आज़ादी में अगर पार्टिसिपेट नहीं करते, हिस्सा नहीं लेते, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो ये फिर देश आज़ाद नहीं हो पाता। हम लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते, और यही ब्रिटिश चाहते भी थे। तो सभी धर्म के लोग, सभी कास्ट के लोग, सभी कलर के लोग ने मिल करके इस देश को आज़ाद कराया, तो ये यूनिटी कहलाता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? डिस यूनिटी, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। ओके स्टूडेंट, सी फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरें। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ब्लैंक देख रहे होंगे, तो आपको करेक्ट वर्ड उसमें फिल करना है टू कंप्लीट दीज सेंटेंस। इन सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें करेक्ट वर्ड को फिल करना होगा। नंबर 1, ब्लैंक रेफर टू द आइडियाज, कस्टम्स, बिलीव एंड सोशल बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और ग्रुप।
अलग अलग आइडिया को फॉलो करने वाले, कस्टम को, बिलीव को, सोशल बिहेवियर, तो इनको कौन से ग्रुप में कहते हैं, यानी कि इनके हम कल्चर करते हैं। कल्चर में रीति रिवाज, सभी धर्मों के रीति रिवाज अलग होते हैं, उनके आइडियाज़, उनके बिलीव, हर धर्म के लोग अलग अलग भगवान को पूजते हैं। तो कोई आपको मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, कोई मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है, कई कई लोग चर्च में जाते हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग रीति रिवाज कस्टम होता है। तो फर्स्ट आंसर फिल करेंगे हम उसमें कल्चर। नंबर टू, द नॉर्थ इंडियन स्कूल ऑफ म्यूजिक इज कॉल्ड ब्लैंक, वाइल द साउथ इंडियन स्कूल ऑफ म्यूजिक इज कॉल्ड ब्लैंक। तो हमको पता है कि हमने वीडियो में भी आपको बताया था कि हिंदुस्तान में दो तरह के स्कूल ऑफ म्यूजिक हैं, पहले को हिंदुस्तानी कहते हैं और दूसरे को कार्नेटिक। तो नॉर्थ इंडियन स्कूल ऑफ म्यूजिक को हिंदुस्तानी म्यूजिक कहते हैं एंड साउथ इंडियन स्कूल ऑफ म्यूजिक को कार्नेटिक कहते हैं। और ये दोनों को मिला करके ही अलग अलग तरह के अलग अलग स्टेट में म्यूजिक तैयार किया जाएगा। नंबर थ्री, ब्लैंक एड्स फ्लेवर टू आवर लीव्स एंड इनरिचेज आवर कल्चर। तो क्या है जो फ्लेवर देता है हमारे देश में, हमारे कल्चर को और भी निखारने के लिए? तो वो होता है डाइवर्सिटी। अलग अलग स्टेटों का अलग अलग कल्चर होता है, लैंग्वेज अलग होता है, ठीक है, खाने पीने का ईटिंग हैबिट्स अलग होता है। तो ये हमारे देश के लिए डाइवर्सिटी है, कहीं ठंडी पड़ती है, कहीं गर्मी पड़ती है, तो ये हमारे देश के लिए क्या है, इनरिचेज आवर कल्चर। नंबर फोर, आवर नेशनल ब्लैंक एंड नेशनल ब्लैंक रिमाइंड्स अस ऑफ इंडियाज़ कैपेसिटी टू यूनाइट। तो आवर नेशनल पहले होगा, फिल ब्लैंक करेंगे, एंथम एंड नेशनल फ्लैग। हर देश का अपना एक झंडा होता है जो उसकी पहचान होती है, और उसका राष्ट्रगीत नेशनल एंथम कहते हैं। नंबर फाइव, ब्लैंक्स फीचर्स इन्फ्लुएंस द लाइफ स्टाइल एंड ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। तो अब इसमें क्या भरेंगे हम, ज्योग्राफिकल फीचर्स। हम जानते हैं कि हम जिस जगह रहते हैं वहीं के लाइफस्टाइल को हम लोग फॉलो करते हैं, वहीं की ईटिंग हैबिट्स होती है, पहनने का, कपड़े का तरीका, बोलने का, खाने के पीने का, अलग अलग स्टेटों में ज्योग्राफिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग होता है। सपोज़ मान लीजिए कोई समुद्र के किनारे या समुद्र के आसपास रहते होंगे, तो उनका मेन खाना देखिएगा फ़िश होगा, उनका मेन जो ऑक्यूपेशन होगा वो फ़िशिंग होगा, वो समुद्र से मछली पकड़ेंगे। कोई ठंडी जगह पहाड़ी इलाकों में रहते होंगे तो उनका मेन ऑक्यूपेशन होगा आपको एनिमल्स रियरिंग, यानी कि जानवरों को पालना, उसके खाल से, उसके, ठीक है, रुआ से ऊनी कपड़ा तैयार करना। हम लोग मैदानी इलाके में रहते हैं, यहाँ के लोगों का बोलने का स्टाइल, कपड़ा पहनने का, त्यौहार सेलिब्रेट करने का बिल्कुल अलग होता है। ये सब ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं। यहाँ देखेंगे नॉर्थन प्लेन में, जिसमें बिहार, यूपी वगैरह सब है, तो उसमें आपको ज़्यादातर एग्रीकल्चर होता है, खेती बाड़ी। ओके स्टूडेंट्स, डी, आंसर द फॉलोइंग इन वन और फ्यू वर्ड्स। अब इन स्टेटमेंट का आंसर या तो वन वर्ड में या वन वर्ड से ज़्यादा भी हो सकता है, दो तो तीन वर्ड में भी दे सकते हैं, फ्यू वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, नंबर फर्स्ट, वैरायटी और ऑकरेंस ऑफ समथिंग इन मेनी डिफरेंट फॉर्म। अलग अलग तरह की जो वैरायटीज होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो डाइवर्सिटी होगा। तो उसमें फर्स्ट में आंसर भरेंगे हम लोग डाइवर्सिटी। नंबर टू, डिफरेंस इन दिस क्रिएट्स द रिच एंड द पुअर क्लासेस। तो अमीर और गरीब में जो फ़र्क होता है वो फ़र्क होता है वेल्थ का, यानी कि धन दौलत, पैसा। तो पैसा ही आपको डिफरेंस क्रिएट करता है। अमीर, जिनके पास पैसा है तो वो अमीर है, उनके लाइफस्टाइल अलग है, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे खाते हैं, अच्छे पहनते हैं। जो गरीब है, जिनके पास पैसे नहीं है, तो ना उनके बच्चे अच्छे पढ़ पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना पहन पाते हैं। तो इसका आंसर होगा वेल्थ। नंबर थ्री, द नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया एज रिकोगनाइज बाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के हिसाब से 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, यानी कि 22 लैंग्वेज। ऐसे लैंग्वेज तो बहुत सारे थे, सबको तो कॉन्स्टिट्यूशन में उतना नहीं लिखा जा सकता, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो उसको 22 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज माने गए, जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, बिहार में आपको देखेंगे मैथिली है, भोजपुरी है, बंगाल में बंगाली, इस तरह के टोटल 22 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। नंबर फोर, दिस इज रिफ्लेक्टेड इन एस्पेक्ट्स लाइक म्यूजिक, डांस, क्लॉथ्स एंड फूड हैबिट्स ऑफ पीपल। तो अलग अलग स्टेटों में रहने वाले, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले,
डांस क्लॉथ्स फूड ईटिंग हैबिट्स वो अलग होता है, तो वो डिपेंड करता है उनका कल्चर क्या है, वो जिस जगह रहते हैं उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग उनका कल्चर होता है। तो इसका आंसर होगा कल्चर। नंबर 5, द साउथ इंडियन स्कूल ऑफ म्यूजिक। तो इंडियन स्कूल ऑफ म्यूजिक में खासकर साउथ इंडियन स्कूल ऑफ म्यूजिक को क्या कहते हैं, तो कार्नेटिक, कार्नेटिक स्कूल ऑफ म्यूजिक। नंबर 6, द फ्रेज इज कॉइन्ड बाय जवाहरलाल नेहरू टू डिस्क्राइब इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया को क्या कहा था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इतनी सारी विविधता होने के बावजूद भी यही हमारी ताकत है, यानी कि यूनिटी में ही रहने से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ई गिव शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 words। दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको 20 से 30 शब्दों में देने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन डाइवर्सिटी। पहला क्वेश्चन है कि डाइवर्सिटी क्या होता है, इसको बताना है। इसका आंसर है आपको पेज नंबर 196 में, नीचे देखेंगे एक जगह लिखा होगा रिकेप, और उसका फर्स्ट पॉइंट अंडरलाइनिंग कर लेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज डाइवर्सिटी इज द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डाइवर्सिटी का मतलब ही होता है एक दूसरे से थोड़ा अलग। अब चाहे देखने में हर बच्चा एक दूसरे को देखने में अलग होता है, माँ बाप एक दूसरे से अलग होते हैं, क्लास में जितने फ्रेंड्स हैं सबको देख लीजिए, सबके बोलने का स्टाइल, उनकी आवाज़, उनके शक्ल सूरत थोड़े अलग होते हैं। पेड़ पौधे में भी देखेंगे सब तरह के पेड़ पौधे हैं, जानवर में सब तरह के जानवर हैं, चिड़िया में सब तरह की चिड़िया, फल में हर तरह के फल हैं। तो वैराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स है, वैराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स है, फ्लावर्स है, ट्रीज़ हैं, बर्ड्स हैं, मैनी फोर थिंग्स, दिस इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी। तो एक लाइन का आंसर है, शॉर्ट है, इसको नोट कर लेंगे। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कल्चर। तो कल्चर का मतलब क्या होता है, यानी कि कल्चर किसे कहते हैं, इसका आंसर हम देखेंगे अगेन पेज नंबर 196। फिर हम आएंगे पेज नंबर 196 में, रिकेप में आएंगे, उसके बाद उस रिकेप का देखेंगे 6th पॉइंट, उसका आंसर वहीं अंडरलाइन कर लीजिए। कल्चर रेफर टू द आइडियाज़, कस्टम्स एंड सोशल बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटीज़ और पीपल। कल्चर में जानते हैं रीति रिवाज, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरह के रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के रीति रिवाज हैं, तो इसे ही हम लोग कल्चर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन टू क्लासिकल एंड टू फोक डांसेस ऑफ इंडिया। दो क्लासिकल डांस के बारे में और दो फोक डांस के बारे में बताना है। स्टूडेंट्स देखेंगे इसका आंसर किस पेज में होगा, इसका आंसर है पेज नंबर 195। द टॉपिक इज कल्चरल डाइवर्सिटी इन द सेकेंड पैराग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड लाइन। तो कल्चरल डाइवर्सिटी के सेकेंड पैराग्राफ का सेकेंड लाइन देखेंगे, लिखा होगा द क्लासिकल डांस फ्रॉम इंक्लूड भरतनाट्यम एंड कथकली। तो दो क्लासिकल डांस हो गया कौन कौन, भरतनाट्यम एंड कथकली। उसी के नीचे है एक और, द फोक डांस इंक्लूड बिहू एंड गरबा। तो फोक डांस हो गया बिहू एंड गरबा, इसको अंडरलाइनिंग करके लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज इंडिया अ सेकुलर कंट्री। इंडिया एक सेकुलर कंट्री कैसे है, अब इसका आंसर देखेंगे किस पेज नंबर में है, इसका आंसर पेज नंबर 194 में। नीचे एक टॉपिक है रिलीजियस डाइवर्सिटी, अब उसका अंडरलाइनिंग कर लेंगे। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, तो जैसा कि हमको पता है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, बिकॉज फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वाइल हिंदुज्म इज द रिलीजन प्रैक्टिस्ड बाय मेजोरिटी ऑफ पीपल एंड अदर रिलीजन सच एज इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, जोरिज्म, बुद्धिज्म, ईटीसी।
जैसा कि हमने पढ़ाया था, आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां हर धर्म के लोग रहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, उसके बाद आता है आपको इस्लाम धर्म को मानने वाले, फिर है क्रिश्चियन है, सिखिज्म है, जोरिज्म है, बुद्धिज्म है। तो दुनिया में जितने मेन रिलीजन है लगभग 8, वो सभी यहाँ हिंदुस्तान में आराम से रहते हैं एक साथ। तो इसे ही हम लोग कहते हैं सेकुलर कंट्री, जहाँ हर धर्म के लोग आराम से रह सकते हैं, अपने अपने कल्चर को, अपने अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये हमें गारंटी देता है हमारा इस देश का संविधान। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इनइक्वलिटी? इनइक्वलिटी यानी कि असमानताएं से आप क्या समझते हैं? तो अब देखेंगे इसका आंसर किस पेज में है। तो इसका आंसर होगा अगेन पेज नंबर 194। लुक एट द टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। अब उसका अंडरलाइनिंग कर लेंगे। डाइवर्सिटी इन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्पेयर ऑफन कॉज इनइक्वलिटीज। असमानताएं अक्सर देखेंगे सामाजिक तौर पर होता है, आर्थिक तौर पर होता है, और आपको देखेंगे राजनीतिक तौर पर होता है। सामाजिक तौर पर जैसे समाज में देखेंगे कि अमीर के बच्चे हैं, अमीर के लाइफस्टाइल अलग है, उनके बच्चे अच्छे खासे पढ़ रहे हैं, जिसको एक्सप्लेन भी हमने अच्छे से वीडियो में कहा है। आर्थिक तौर पर देखेंगे बहुत पैसे वाले भी लोग हैं, तो समाज में हमारे ऐसे भी लोग हैं, हमारे घर के आसपास भी ऐसे भी है जो बहुत गरीब हैं, जिनके बच्चे न अच्छा खाते हैं, न पहनते हैं, न स्कूल जाते हैं। अमीर के बच्चे हैं तो उनके लाइफस्टाइल अच्छी है। तो इस तरह से देखेंगे कि हमारे सोसाइटी में डाइवर्सिटी, खास करके इनइक्वलिटीज़ भी है, असमानताएँ, तो किसी को बराबर का अधिकार नहीं मिल पाता है, सामाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी, और राजनीतिक तौर पर भी। तो इसे ही हम लोग इनइक्वलिटीज़ कहते हैं। नाउ एफ, गिव लॉन्ग आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 50 to 60 वर्ड्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर 1, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेट चेंजेस, एक्सप्लेन। स्टूडेंट्स, अब इसको बताना है, क्वेश्चन कर रहा है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो है, यानी कि अलग अलग स्टेटों में जो लोग काम काज करते हैं या जीवन यापन करने के लिए जो पैसे कमाते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, उसका प्रभाव कैसे पड़ता है ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेट चेंज होने के कारण। तब देखेंगे इसका आंसर किस पेज में होगा। इसका आंसर है पेज नंबर 195। लुक द टॉपिक इज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। तो टॉपिक देख रहे हैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, आपको लगभग एक पैराग्राफ इसका आंसर है। आप इसको अंडरलाइनिंग करते चलें या फिर देख के इसको आप उतार सकते हैं। ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेट कंडीशन डिटरमाइन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ रीजन। पीपल लिव नियर द कोस्टल एरिया फॉर एग्जाम्पल्स इंगेज इन फिशिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज। इन कोल्ड माउंटेन्स रीजन रेयरिंग एनिमल्स सच एज शिप एंड यॉक्स इज द चीफ ऑक्यूपेशन। दीज डिफरेंट ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेट कंडीशन इन्फ्लुएंस द डाइट, ड्रेस, कस्टम एंड कल्चर ऑफ द पीपल। स्टूडेंट्स, देखेंगे अब इसके बारे में कि ज्योग्राफिकल और क्लाइमेट कंडीशन जो है अलग अलग स्टेटों के अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ समुद्र के किनारे रहते हैं, तो वहाँ का उनका रहन सहन, उनका जो कल्चर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। उनका रोजगार जो है बेसिकली आपको देखेंगे फिशिंग हो जाता है। उसी तरह जैसे पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग, मैदानी इलाके में रहने वाले लोगों का अलग होता है। पहाड़ी इलाके में रहने वाले हैं तो ज़्यादातर देखेंगे वो याक का, शिप का, ठीक है, जानवर को पालते हैं, उनके खाल से गर्म गर्म कपड़े बनाते हैं। मैदानी इलाके में हम लोग रहते हैं तो यहाँ का देखिएगा बेसिकली आपको देखिएगा खास करके एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस रहते हैं लोग, कारोबार होता है, फैक्ट्री होता है, बहुत सारे लोग फैक्ट्री में काम करते हैं। यहाँ का पहनावा, यहाँ का बोली बचन बिल्कुल अलग होता है। पहाड़ियों इलाकाओं का अलग 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 होगा, उनका रीति रिवाज, कस्टम सब अलग होगा। इसको हमने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, आप वीडियो को भी अच्छे से देख लेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2,
write a few lines on how inequalities bring about difference among the people. अब देखना है बच्चों, इसमें लिखना है कि किस तरह असमानताएं आम पब्लिकों में, आम लोगों में भेदभाव से कितने सारे डिफरेंस पैदा कर देते हैं, मतभेद पैदा करते हैं, इसके बारे में लिखना है। अब देखेंगे इसका आंसर किस पेज नंबर में होगा। इसका आंसर अगेन पेज नंबर 194। द टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, सेकंड पैराग्राफ। Differences in society and its structure also create unrest. For example, in India, we still find the existence of the caste system. According to this system, an individual belongs to one caste is treated differently by the people of other caste. Though discrimination on the basis of caste has been made illegal, it continue to exist in our societies. अब देखेंगे कि जिस तरह हमारे समाज में भेदभाव पहले हुआ करते थे, अभी भी है लेकिन अब बहुत कम हो गया है, ये हमारे समाज में एक तरह से differences पैदा करते हैं। For example, जिस तरह से हम लोग, हमारे समाज जो है, पहले ST और SC को प्रताड़ित करते थे, उन्हें पढ़ने से रोकते थे, उन्हें अच्छा खाने से रोकते थे, उन्हें अच्छा पहनने से रोकते थे, तो इस तरह का जो डिफरेंस था वो हमारे सोसाइटी को एग्रेसिव बना देता है, यानी कि लोग जो है काफ़ी अपने आप को अनकंफर्ट फील करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ये हमारे सोसाइटी के लिए ख़तरनाक है और इसे बहुत हद तक ख़त्म किया गया है, अभी भी कहीं कहीं ये होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, write a few lines about the linguistic diversity of India. अब हिंदुस्तान में जो अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो भाषाएं बोली जाती है, उनके बारे में कुछ लाइनें लिखने हैं। देखते हैं अब इसका आंसर किस पेज में होगा। इसका आंसर है पेज नंबर 194। लुक एट द टॉपिक एट द राइट साइड, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अ नंबर ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन बाय द पीपल ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेजेस सच एज बंगाली, गुजराती, कन्नड़ एंड कोंकणी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी इज द मेन ऑफिशियल लैंग्वेज व्हाइल इंग्लिश इज द सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, अब देखेंगे कि हिंदुस्तान में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी। आज़ादी के बाद जब हमारा देश का अपना एक संविधान हुआ तो उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया, जिसमें अलग अलग स्टेट के अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जिसमें बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, ये सब ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी को मेन ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया और इंग्लिश को सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज माने गए। तो आज देखेंगे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएँ वो है हिंदी, बाकी अपने अपने स्टेट के हिसाब से भी हम लोग अपनी अपनी भाषाएँ बोलती हैं। तो ये हो गया आपका लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। ओके स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू थिंक इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम डिपिक्ट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप कैसे समझते हैं कि भारत की जो स्ट्रगल थी, आज़ादी की जो संघर्ष थी, लड़ाई थी, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी थी, यानी कि विविधता में एकता। अलग अलग धर्म के लोग अगर सब लोग मिलकर के हम इस देश में एक साथ नहीं लड़ते तो क्या हमारा देश आज़ाद होता? तो अब देखेंगे इसका आंसर किस पेज में नंबर में होगा। इसका आंसर है पेज नंबर 196। लुक एट द टॉपिक यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन द फोर्थ पैराग्राफ। Despite the diversity, there is a strong feeling of oneness among the people of India. An example to show this unity in diversity is the freedom struggle of India from the British rule.
The British ruled over our country for nearly 200 years. During this period, the Indian belonging to all reason and caste came together to fight the British. तो देखेंगे भारत में इतनी सारी विविधता होने के बावजूद भी भारत हमेशा एक साथ लड़ा है और इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से लगभग 200 साल तक अंग्रेज इस देश पर हुकूमत की रूल की और उसको इस देश से हटाने के लिए इस देश को से भगाने के लिए और इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए हर धर्म के लोग हर कास्ट के लोग हर कलर के लोगों ने मिलके संघर्ष किया तब जाकर के ये देश आज़ाद हुआ इसलिए इसे हम लोग कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी ओके स्टूडेंट्स Thanks you so much guys. I hope this video is completely helpful to you. Thanks you. Stay home, stay safe.